जैसे कि आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड अर्थ डे के तौर पर मनाया जाता है, इसीलिए हमने पीर पंजाल एनवायरमेंट एंड इको डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से और इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रजौरी एक इंटरनेशनल वेब कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े वो डीपीएस जम्मू से भी थे, हमारे पुंछ स्कूल्स के भी थे, कॉलेजेस के थे, बहुत सारे कॉलेजेस जो पी पंजाल के हैं, उसके अलावा कठुआ के, श्रीनगर से, कश्मीर डिवीजन के बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उनके अलावा हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से भी थे। इसके साथ साथ मैं एक और बात नाजरीन को यहाँ पे खास तौर पर बताना चाहूंगी कि जो अक्सर अवकात ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज जो होती हैं तो स्टूडेंट्स को इतना मौका नहीं मिलता पार्टिसिपेशन का, तो ये इस कॉन्फ्रेंस की खास बात थी कि इसमें मैंने ये सोचा कि क्यों ना हमारे बच्चे जो हैं, चाहे वो स्कूल्स के हों, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के हों, कॉलेजेस के हों या यूनिवर्सिटीज के हों, वो भी अपनी प्रेजेंटेशन दें, वो भी इस मौजू के मुतालिक बात करें। जैसे ये टॉपिक था इस बार जो थीम था हमारा वर्ल्ड ओवर, वो था इन्वेस्ट इन अवर अर्थ, तो उसके हवाले से कि कितना नुकसान हमारे एनवायरमेंट का, हमारी मदर अर्थ का हो चुका है और इसके जमन में हम आगे क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बच्चों की जो डिस्कशन है और प्रोग्राम जो है साइड बाय साइड चल रहा है। और खासकर मैम आप जो नौजवान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूंगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्वालिटी जो है, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको नेम फेम रिकग्निशन मिले तो आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें। आज ये जो हमने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई है पीर पंजाल एनवायरमेंट एंड इको डेवलपमेंट सोसाइटी के जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे जनाब मोहम्मद बशीर मुगल साहब, उनका जन्मदिन भी आज होता है, उनकी याद में ये उनको डेडिकेट करते हुए मनाई है। और इस वजह से हमें ये मनाने का मौका मिला है कि उनका एक काम, उनकी जो डिस्टिंक्शन थी, उनकी जो पहचान थी, रिकग्निशन थी सोसाइटी का, उनके काम की वजह से थी। और उनका काम जो था वो एफॉरेस्टेशन से ज्यादा वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात करना चाहते थे, उनकी हमेशा एक ख्वाहिश थी कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। मैं भी उन्हीं के ही पैगाम को चाहती हूं कि हमारे बच्चों तक, नौजवानों तक, बड़ों तक, बुजुर्गों तक ये पहुंचे कि हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे बात करते हैं और किसी इसे बायोडाइवर्सिटी डे पे बात कर ली, वर्ल्ड अर्थ डे पे बात कर ली, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे पे बात कर ली, ऐसे मखसूस दिनों में बात कर लेते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं। लेकिन हमें एहसास होना चाहिए कि जो हमारी डिस्ट्रक्शन आज की डेट में हमारे प्लैनेट अर्थ की हो चुकी है, इसको किस तरीके से रोका जाए। खासतौर पर जो डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन जो फॉरेस्ट जंगलात की हो चुकी है, उसमें आम आदमी का क्या रोल बनता है और उससे अगर हमारा अपना पर्सनल जाती तौर पर इंसानों का, ह्यूमन बींग्स का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो हमारे कार्बन सिंक्स हैं, हमें वो प्यूरिफाइड एयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो दूसरी जाने वो हमारे वाइल्ड लाइफ जो है उनका वो हैबिटेट है। हमारे सेम वे हम न्यूज में पढ़ते हैं कभी भालू जो है वो गांव में आ जाता है और वो औरतों को, बच्चों को वो जख्मी कर देता है, तो ऐसी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि एनिमल्स अपना हैबिटेट लॉस कर चुके हैं, इनके पास जगह नहीं रही है, फॉरेस्ट की थिनिंग हो रही है और ये लोग, ये जानवर हमारे बेचारे कहाँ रहेंगे, बेजुबान जानवर, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। एक और पैगाम मैं देना चाहूंगी खासतौर पर से हमारे लोग जो पुंछ टू जम्मू ट्रैवल करते हैं, तो आप देखते हैं कि कालीधार के पास हमारे बहुत सारे बंदर बेचारे मारे जाते हैं, कुछ लोग हम उनको प्यार मोहब्बत से थोड़ी वो ब्रेड वगैरह डालते हैं, तो हम एहसास नहीं हमारे अंदर कि हम उनको उनके नेचुरल में जो उनके साथ जो उनका जो नेचुरल सिस्टम है जिसमें वो जंगल के अंदर रहे, खुद अपना जो है किस तरीके से वो अपना फूड जो है वो वहां से, फ्रूट्स जो है वो खुद वहां से, वो डिपेंड हो रहे हैं लोगों की ब्रेड्स के ऊपर और फिर वो आए दिन वो मारे जाते हैं, स्पीडिंग जो गाड़ियां होती है उनके नीचे आके वो मारे जाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है जो हम लोग करते हैं। मेरा यही पैगाम आप लोगों को मैं आखिर में यही देना चाहूंगी कि कोशिश करनी चाहिए कि प्लांट्स लगाएं, वो बहुत अच्छी बात है और हमारे इंडिया में हम लोग बहुत प्लांट्स लगाते हैं, ऑन वेरियस ओकेजन हम प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें केयर करनी चाहिए कि वो प्लांट्स कामयाब हुए हैं, फिर मुड़के देखना चाहिए कि वो प्लांट्स कामयाब हो रहे हैं। अब हम प्लांटेशन वर्क करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और सबको करना भी चाहिए, लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो स्पर्स होती है, हमारी जो गिलहरियां होती है, वो इंसानों से ज्यादा कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है एफॉरेस्टेशन के लिए, वो हमसे ज्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस कर देती है, अपने कुदरत का एक ऐसा निजाम है। लेकिन हमारी जो लस्ट है एज ह्यूमन बींग्स, हमारी जो लस्ट है, हमारे पास एफ्लुएंस है, पैसा है, हमें लग्जरी चाहिए, हमें बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स चाहिए, सिनेप्लेक्स चाहिए, बड़े रेस्टोरेंट, होटल्स, ऑफिस, बिल्डिंग्स, रोड्स, सब चीजें चाहिए। हमें ये नहीं इस चीज की पहन मैं कहूंगी कि हमें एहसास ही नहीं है कि ये हमें सरफेस एरिया जो टोटल है उसमें फॉरेस्ट से ही हम ये लैंड एरिया जो है ऑब्टेन करते हैं और ये फॉरेस्ट को थिन करके जो हम नुकसान कर रहे हैं अपना भी और हमारे वाइल्ड लाइफ का भी, उसकी रोकथाम बहुत जरूरी है।
वक्त इस वक्त ऐसा मुझे लगता है आने वाले वक्त में हमें मुड़ के वापस से हमें वी हैव टू कनेक्ट बैक टू द नेचर, हमें अपने गांव से ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा और ये शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन चीजों को जो है मुझे लगता है इन पर थोड़ी बहुत रोक लगनी चाहिए। आखिर में मैं मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो आज यहाँ पे आए, हमने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम की कवरेज की। इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट डीजी कॉलेज रजौरी के प्रिंसिपल साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट की पंजाब एनवायरमेंट की डेवलपमेंट सोसाइटी की जो है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जो प्रोग्राम है हमारी जो इंटरनेशनल लेवल की जब कॉन्फ्रेंस की जिस तक से हुई है, इसका पैगाम जो है दूर दूर तक पूरी दुनिया में पहुंचा है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।